Hey there guys, welcome back to the new video. तुम सबको पता है कि पोकेमोन वर्ल्ड में काफ़ी सारी मिस्ट्रीज हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में पोकेमोन तक ने इन्फॉर्म नहीं किया है. सो इसके पीछे काफ़ी सारी फैन थ्योरीज बनती है और काफ़ी सारे न्यू डिटेल्स सामने आते हैं. तो उसी की तरह आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कुछ ऐसे पोकेमोन्स के बारे में जिसको तुम पकड़ ही नहीं सकते. तुम मास्टर बॉल डाल लो, जो डालना डाल लो, तुम पकड़ ही नहीं सकते. तो या आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो या वीडियो को लाइक करना जैसे कि तुम लोग हमेशा करते हो. एंड इस चैनल पर हम लोग पोकेमोन से रिलेटेड बातें करते हैं. देन बी श्योर टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक. और रही बात की, हाँ, आज के वीडियो में कुछ 6 पोकेमोन्स होंगे. एंड पहली बता दूँ, ये 6 पोकेमोन्स बिल्कुल भी रैंक नहीं है, रैंडमली लिए गए हैं. एंड या जो नंबर 1 और नंबर 3 पे है वो रैंडमली नहीं है, तुम सबको पसंद आएगा. तो या वीडियो में शुरू लेके अंत तक बने रहना. सो विदाउट बीइंग फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो क्यों ना स्टार्टिंग में ही हम लोग कुछ यूनिक पोकेमोन को ले लें. तो नंबर 6 में मैं लेना चाहूँगा द वन एंड ओनली द ग्लिच इन पोकेमोन गेम मिसिंग नो ग्लिच, जो कि तुमको स्पेशली पोकेमोन फायर रेड एंड लीफ ग्रीन में देखने को मिलता है. क्योंकि इन गेम में काफ़ी सारे ऐसी ग्लिचेस थी. ऑफकोर्स यार, ये पोकेमोन के वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम है. और या ये पोकेमोन कंपनी के ऐसे गेम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है. लाइक अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया गेम्स के इधर उधर का, तो गया तुम्हारा गेम करप्ट हो जाएगा. उसी की तरह हम लोग पोकेमोन फायर रेड में एक ग्लिच का सामना करते हैं जो कि मिसिंग नो ग्लिच, जो कि हम लोग को सिनाबार आइलैंड के सामने देखने को मिलता है. इसके पीछे काफ़ी सारी थ्योरीज हैं कि एक ऐसा पोकेमोन है जो कि करप्ट हो गया था म्यूटू की तरह ही. बट यह इसके बारे में कोई कंफर्मेशन थ्योरी नहीं है. एंड पोकेमोन कंपनी ने भी इसको एक तरह का ग्लिच माना है. एंड तुम लोग अगर फायर रेड और लीव ग्रीन खेलो तो तुम भले ही इसको पकड़ सकते हो, उसके चांस 2% है. लेकिन अगर तुम लोग पोकेमोन रेड और पोकेमोन ब्लू खेल रहे हो जो कि फर्स्ट गेम है पोकेमोन का, तुम 2% या तुम्हारा 0% भी चांस नहीं है तुम इसको पकड़ पाओगे. नंबर 5, म्यू. मांगा, एनिमे, गेम्स, हम लोग को कहीं भी देखने नहीं मिला ऐसा करेक्टर जिसके पास म्यू हो. क्यों? क्योंकि म्यू एक ऐसा पोकेमोन है जिसको पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिसके पीछे काफ़ी सारे ट्रेनर्स पागल हो रखे हैं लाइक रेड गो, बट किसी को नहीं मिला. इवन मांगा में भी म्यू की कुछ ज़्यादा ही अहमियत है. और गेम्स में भी शायद से बिना हैक या बिना मॉड यूज़ किए तो म्यू को किसी भी गेम में नहीं पकड़ सकते हो. और एनिमे में भी काफ़ी सारे रेयर हैं म्यूज. और ऐसा बताया जाता है कि पोकेमोन वर्ल्ड में कुछ गिने चुने ही म्यू बचे हैं. और थ्रू आउट पोकेमोन गेम्स, जैसे मैंने बताया, तुम एक भी गेम में बिना मॉड या हैक का यूज़ किए तुम म्यू को पकड़ ही नहीं सकते. अगर पकड़ना है तो तुम्हें हैक या मॉड लगाना पड़ेगा. और मांगा और एज वेल एज जो पोकेमोन की स्पेसिफिक एनिमे है जो कि रेड पे चलती है, उसमें भी रेड ने अपने 10 साल लगा दिए म्यू को पकड़ने में, लेकिन वो नहीं पकड़ पाया. और वही अभी हम लोग का एश कचम के साथ जो गो पार्टनर है वो करने जा रहा है. अगर गो पकड़ लेता है म्यू तो वो फर्स्ट ट्रेनर बनेगा पोकेमोन के हिस्ट्री का. नंबर 4 पे भी मैं एक रेयर पोकेमोन को लेना चाहूँगा जो कि तुम लोग जानते होंगे अगर तुमने पोकेमोन रेड और पोकेमोन ब्लू खेला है. जैसे मैंने बताया, उसमें तुम एक स्पेसिफिक ट्रेनर से सामना करते हो जो कि है बरिड अलाइव. उसके पास कुछ 4-5 गिने चुने पोकेमोन्स होते हैं जिसका नाम राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ऐसे वो रखता है. जिसके पास उसके पास गेंगार होता है, 2 म्यूटू होते हैं और 1 मक होता है. अगर तुम पोकेमोन रेड और ब्लू खेले हो तब तुम डेफिनेटली इससे बैटल करोगे. फायर और लीफ ग्रीन में ये पोकेमोन ट्रेनर तुम लोग को देखने नहीं मिलने वाला. और ऐसा माना जाता है तुम उन पोकेमोन को कहीं भी नहीं पकड़ सकते थ्रू आउट पोकेमोन हिस्ट्री. सो या जो बरिड अलाइव जो पोकेमोन यूज़ करता है वो तरह के डेड कॉप्स हैं, मतलब मरे हुए पोकेमोन को वो यूज़ करता है. सो डेफिनेटली तुम मरे हुए पोकेमोन को नहीं पकड़ सकते. और बरिड अलाइव जो है वो काइंड ऑफ जॉम्बी है जिसके पीछे काफ़ी सारी सीक्रेट्स, अगर रेड ब्लू खेलोगे तो पता चलेगा. बट आई डोंट नो व्हाई फ्यूचर में पोकेमोन वालों ने पोकेमोन जितने भी लेट्स को पिकाचू या रेड और लीफ ग्रीन आए उसमें उन्होंने बरिड अलाइव को रिप्लेस करके मैरोवैक की आत्मा वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया. अब काफ़ी लोग कहेंगे भाई म्यू टू और आर्शियस भी तो ऐसे पोकेमोन होते हैं, बट लेट मी टेल यू दे आर नथिंग अगेंस्ट दिस पोकेमोन लेजेंडरी पोकेमोन विशिकैश. मजाक कर रहा हूँ यार, लेजेंडरी नहीं है बट इसकी हरकतें लेजेंडरी से भी कम नहीं है. इन पोकेमोन एनिमे ये एक लौता पोकेमोन बना थ्रू आउट पोकेमोन हिस्ट्री जिसपे मास्टर बॉल फेल हुई, मतलब इसने लिटरली मास्टर बॉल को निगल लिया. और पोकेमोन एनिमे या पोकेमोन गेम्स या पोकेमोन मांगा जितना भी ले लो, ये फर्स्ट टाइम हुआ था जहाँ पे मास्टर बॉल फेल हुई थी. और इसी कारण मास्टर बॉल मैं बता रहा हूँ, प्रतिज्ञा ली रखी है भाई इस ट्रेनर को मैं पकड़ूंगी. क्या बोल रहा हूँ यार, लेकिन हाँ मास्टर बॉल का यहाँ पे मतलब इतनी गंदी बेइज्जती हुई यार लिटरली. जिस पोकेमोन से म्यूटू, आर्कियस कोई नहीं बच पाता गेम्स और एनिमे और मांगा में, वहाँ पे लिटरली विशिकैश बच गया सिर्फ एक बॉल को निगल के. मतलब पोकेमोन कंपनी कुछ भी करना चाहती है. तुम देखे ना पोकेमोन एनिमे क्या क्या कर सकती है जैसा वो चाहे, इसलिए मुझे एनिमे काफ़ी पसंद आता है. सो आज तो कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा विशिकैश ओपी.
नंबर टू में क्यों ना एक अद्भुत पोकेमोन को लिया जाए जो कि पोकेमोन एनिमे के अंदर दिखाया था, जो कि था लेजेंडरी पोकेमोन। एंड डेफिनेटली मैं हर एक लेजेंडरी पोकेमोन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक पोकेमोन की बात कर रहा हूँ जिसको मिस्टी ने उस पोकेमोन एपिसोड में देखा था अपने ड्रीम में, और उसने टर्म लिया था लेजेंडरी वाटर टाइप पोकेमोन। और ऐसा कहा गया था वो पोकेमोन जो है वो काफ़ी पुराने समय से है, और वो क्रिएशन और जब से अर्थ और यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है तब से वो पोकेमोन बिलोंग करता है। बट ऐसा काफ़ी सारे थ्योरीज हैं जो ये बेसिकली जो पोकेमोन तुम देख रहे हो ये गैरेडोस से इंस्पायर्ड है, मतलब मेगा गैरेडोस, जैसे उसके फिन्स है ना पीछे, वैसे कुछ देखने को मिला था। बट डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि पोकेमोन एनिमे ने कुछ किया है तो क्या पता हम लोग को फ्यूचर में देखने मिले आखिरकार ये कौन था लेजेंडरी पोकेमोन। पर तब तक तुम लोग इसको मेगा गैरेडोस मान सकते हो, और इसी कारण मैं इस पोकेमोन को ऐसा मानता हूँ जिसको कोई भी नहीं पकड़ सकता, ऐसा खुद मिस्टी ने कहा था उस एपिसोड में। नंबर वन पे मैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन लेना चाहूँगा। अगर तुमने पोकेमोन मिस्ट्री डंजन खेला है, जो कि मैं पर्सनली तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, खेलो, काफ़ी अच्छी उसकी स्टोरी लाइन है। उसमें हम लोग को एक पोकेमोन से सामना होता है जो कि है प्राइमल डियाल्गा। एंड या ये कोई फैन मेड टर्म नहीं है, ये एक ऑफिशियल पोकेमोन है। तो या प्राइमल डियाल्गा रियल पोकेमोन है। सो या ये एक ऐसा पोकेमोन है जिसको तुम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग को पता होगा डियाल्गा की ताकत ये है कि वो बेसिकली टाइम को कंट्रोल कर सकता है। बट इन प्राइमल डियाल्गा फॉर्म वो अपनी ताकत पे कंट्रोल खो देता है, और इसी कारण वो काइंड ऑफ थोड़ा जंगली हो जाता है और अपने पावर्स को बहुत बेरहमी तरीके से यूज़ करता है, और जिसके कारण टाइम स्पेस बर्बाद होने लग जाता है पोकेमोन वर्ल्ड का। मुझे पता है पोकेमोन टाइम स्पेस के कारण ना काफ़ी पसंद आता है। और या तुम लोग को पता होगा पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल का रीमेक आने वाला है, जिसमें डेफिनेटली हम लोग को प्राइमल डियाल्गा या फिर प्राइमल पालकिया जैसे कुछ देखने मिल सकता है। एंड लेट मी टेल यू, ऐसा माना जा रहा है जो पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल का रीमेक आने वाला है वो वन ऑफ द बेस्ट गेम रहेगा पोकेमोन के थ्रू आउट हिस्ट्री का, और उसकी स्टोरी लाइन भी मस्त होने वाली है और उसके विजुअल्स एंड ग्राफिक्स भी। एंड आई प्रॉमिस अगर वो आता है ना तो इस चैनल पे हम लोग खेलेंगे उस गेम को। सो अगर तुम लोग देखना चाहते हो देन बी श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आई होप तुम लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ ऐसे पोकेमोन्स के बारे में जानने मिला होगा जिसको डेफिनेटली तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम नहीं पकड़ सकते पोकेमोन एनिमे गेम्स मांगा के अंदर। सो अगर वीडियो पसंद आई तो मैंने जैसे बोला लाइक एम तुम लोग के अकॉर्डिंग ही हो, जितना तुम चाहो उतने लाइक्स कर दो। एंड वी आर वेरी मच क्लोज टू 90K और 100K सब्स, तो करवा दो यार। और बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और विश कैश ओपी लिखना मत भूलना। सो मिलता अब किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक Q&A का आंसर दे दो। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।